गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 10 स्टेप जो कि मोदी केयर में काम करने के लिए ज़रूरी है। मतलब आप मोदी केयर में कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके लिए आपको ये 10 स्टेप्स को समझना है और क्रम वाइज मतलब नंबर वाइज आपको इसे फॉलो करना है, नंबर को आगे पीछे नहीं करना है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 100% यूज़र ऑफ योर प्रोडक्ट्स, यानी आप जिस कंपनी से जुड़ गए उस शॉप से, मतलब आपने अपना एक शॉप चेंज किया और मोदी केयर के शॉप से सामान लेंगे, तो आपको वहीं के सारे प्रोडक्ट जो जो मोदी केयर में अवेलेबल है और आपके काम का है, आप उसे खरीदिए और उसी को यूज़ करिए, ना कि मार्केट से। और आपको अगर ये लगता है कि मुझे तो इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो आपको लॉयल्टी सिस्टम पता ही है। अगर आप 2500 का सामान लेते हैं मोदी केयर से 6 महीने लगातार, तो आपको 1 महीने का सामान फ्री मिलता है। उसका रेशियो निकाल करके आपको 2500 का सामान फ्री मिलेगा, तो आपको कहीं से भी ये महंगा नहीं पड़ता है। और प्रोडक्ट्स भी क्वालिटी वाले होते हैं, मार्केट प्रोडक्ट्स की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप 100% यूज़र बनिए, फर्स्ट स्टेप तो पहले ये है मोदी केयर का। फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप है डेमो। डेमो क्या होता है, आपको कोई भी प्रोडक्ट जो आप लेते हैं, मान लीजिए मोदी केयर से आपने पेस्ट लिया, तो आप उसका डेमो करना सीख लीजिए। आपको यूट्यूब पे मिलेगा, या आपको जो भी मोदी केयर में ज्वाइन कराया है उससे आप कंसल्ट करिए, वो आपको बता देगा, वीडियो शेयर कर देगा। आप उस वीडियो को देखिए, उस प्रोडक्ट को डेमो के थ्रू पहले आप खुद चेक करिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको चाय किसी को बना के पिलानी है और आप खुद उस चाय को टेस्ट करके देखते हैं एक बार कि वो चाय देने लायक है कि नहीं है, तो आप अगर ये प्रोडक्ट से बिजनेस करने जा रहे हैं और उसको शेयर करेंगे दूसरों को, तो पहले खुद आपको डेमो करके देखना होगा और दूसरों को डेमो दिखाना होगा। अब हम डेमो क्यों दिखाते हैं, डेमो इसे ज़रूरी है कि जो दिखता है वही समझ में आता है। आप दुनिया भर की चीज़ें, किसी को मान लीजिए आपने एक आपको किसी जिकोटा वर्ड को समझाना है अपने फ्रेंड्स को, अब वो कभी नहीं देखा जिकोटा क्या होता है, तो आप उसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन देंगे वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप उसे चित्र दिखा दिए जिकोटा की, फ़ोटो दिखा दिए, तो तुरंत क्लिक कर जाएगा उसके माइंड में कि हाँ, ये सारी चीज़ें जिकोटा में होती हैं, जिकोटा ऐसा दिखता है। कहने का मतलब ये है कि जिकोटा जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमें उसकी इमेज दिखानी होती है। वैसे हमारे प्रोडक्ट बहुत बेस्ट हैं, लेकिन उनकी एक कमी है कि वो बोल नहीं सकते, तो बोलना आपको है प्रोडक्ट के बारे में, तो पहले खुद आपको चेक करना होगा उसकी क्वालिटी थ्रू डेमो। अब फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप है आपका मीटिंग। मीटिंग, सेमिनार, जो कुछ भी आपको बुलाया जाता है, अब तो जूम मीटिंग के थ्रू भी सारी मीटिंग्स होने लगी हैं, और आप घर पे रहते हुए जूम मीटिंग कर सकते हैं। अपने घर को संभालते हुए, अपने अगर आप वर्किंग है तो आप ऑफिस के फ्री टाइम में भी जूम मीटिंग देख सकते हैं। सारे कुछ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप लाइव जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, बातों को अपने लीडर्स के बातों को सुनते हैं, टीम के और मेम्बर्स के बारे में सुनते हैं, उन्होंने बिजनेस में क्या किया, कैसे किया, कैसे वो आगे बढ़े, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, यही सारी चीजें मीटिंग में डिस्कस होती हैं। ऐसा कुछ और नहीं होता है कि भूत प्रेत बुलाने वाला कोई मंत्र सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, हम अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं, और हम किसी का एक्सपीरियंस सुनते हैं तो हमें भी वो चीजें समझ में इजीली आ जाती हैं। तो इसीलिए मीटिंग्स वगैरह में जरूर आना चाहिए, लोग अवॉइड करते हैं। और ये सक्सेस पाने में बहुत बड़ी कठिनाई यही है कि लोग मीटिंग्स में आना अवॉइड करते हैं। मीटिंग कुछ नहीं है, जो लीडर्स सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने एक्सपीरियंस को ही शेयर करते हैं। तो आप मीटिंग्स में आइए, कभी कभी प्रोडक्ट के बारे में भी समझा दिया जाता है, प्लान के बारे में बता दिया जाता है, तो सारी चीज़ें आपके ही काम के लिए हैं, आपकी सफलता के लिए हैं। फोर्थ स्टेप है मोदी केयर ऐप। मोदी केयर ऐप के थ्रू आप सारी चीज़ें, मोदी केयर में ज्वाइनिंग है, मोदी केयर में अपना बिजनेस है, अपना बोनस है, कैसे क्या करना है, सारी कुछ आप सीख सकते हैं। पहले तो आपको मोदी केयर ऐप को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाकर के। अपने लीडर्स से पूछिए, अपने फ्रेंड्स से पूछिए, जो भी आपको मोदी केयर में लाया है, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं कैसे मोदी केयर के ऐप को डाउनलोड करते हैं। आजकल तो बहुत ईजी है ऐप से ऐप को डाउनलोड करना, प्ले स्टोर में मोदी केयर का ऐप अवेलेबल है, उसे आप डाउनलोड करिए, उसके सारे स्टेप्स को देखिए, सीखिए, समझिए कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएंगी। मोदी केयर का प्लान, मोदी केयर का प्लान आपको पता है, बिजनेस प्लान क्या है मोदी केयर का, इसमें लोग क्यों जुड़ें, कैसे जुड़ें, कितने रुपए से जुड़ें, क्या सामान है मोदी केयर में, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, किसके जॉनर में मोदी केयर बिजनेस करता है, ये सारी चीज़ें प्लान के अंतर्गत ही आती हैं। आपको अपने कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसको समझाना होता है, तो सारी चीज़ें आप मीटिंग में आइए, मीटिंग्स में आइए, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। फ्रेंड्स, आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया,
आप एक दिन भी स्कूल नहीं गए तो आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे? फिर आप कहेंगे स्कूल ही ख़राब है। स्कूल ख़राब नहीं है, स्कूल में क्लासेस चल रहे हैं, आपको क्लासेस लेने हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हमें सीखना है, हमें क्या सिखाया जा रहा है। बिना क्लास लिए तो कोई भी आज तक सफल नहीं हुआ, एग्ज़ाम कैसे आप देंगे? तो मीटिंग्स में आइए ताकि आपको सारी चीज़ें पता चले। प्लान शो भी कई तरीके के होते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, हर कुछ बताया जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी प्रोफाइल। आपसे कोई पूछ सकता है मुदिगर कितनी पुरानी कंपनी है, इसके संस्थापक कौन है, इसके CEO कौन है, ये कहाँ कहाँ पर है, इसमें कैसे काम होता है, कैसे ज्वाइन करते हैं, ये सारी कंपनी प्रोफाइल में आता है। इसके हिस्ट्री को जानिए, वो भी आपको मीटिंग में मिलेगा। मतलब सब कुछ का सार यही कि मीटिंग्स में ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मुदिगर के प्रोफाइल को आप ऑब्वियसली आप इसके ऐप पे भी जा कर के आप पढ़ सकते हैं मुदिगर के प्रोफाइल के बारे में, और इसको जान लीजिए। एक दो बार किसी के बारे में हम सुन लेते तो याद हो जाता है, तो ये हमारी आपकी अपनी कंपनी है तो क्यों नहीं याद होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत सारे नियम नहीं हैं, लेकिन एक दो स्टेप, ये सारे 10 स्टेप अगर हम जान जाते हैं तो हमें आसानी होगी अपने काम को समझने में और समझाने में भी। फ्रेंड्स 7 नंबर है प्रोडक्ट्स नॉलेज। प्रोडक्ट्स की नॉलेज मैंने आपको बता दिया है, डेमो के थ्रू भी आप सीख सकते हैं। कम से कम 10 प्रोडक्ट के बारे में आप जानिए। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद यूज़ करिए, उसके हर एक प्रभाव को समझने में आपको 10 दिन लग जाएंगे, तो उसको देखिए। जितनी लंबी बीमारी होगी, जितनी पुरानी बीमारी होगी, उतना ही टाइम टेकिंग हो जाता है उसका ट्रीटमेंट भी। और मोदी केयर कोई दवा तो बेचता नहीं, ये सप्लीमेंट देता है। हमारे शरीर में जिन पोषक तत्वों की कमी हो गई है उसे फुलफिल करने के लिए हम लोग पूरक आहार लेते हैं, जो कि मल्टी विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, नोनी जूस है, आंवला जूस है, एलोवेरा जूस है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने मोदी केयर की सारे प्रोडक्ट्स खाने वाले, जैसे कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये सब खा चुकी हूँ, जो जो मुझे अकॉर्डिंग टू नीड मुझे लगता है कि ये कमी मेरे अंदर आ रही है। अब आप कमी को पहचानेंगे कैसे, प्रोटीन की कमी से क्या क्या बीमारियाँ दिखने लगती हैं वो आपको आइडिया मिल जाएगा। कैल्शियम की कमी से जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होगा, और मल्टीविटामिन की कमी से हमारा काम करने में मन नहीं लगेगा, थकान महसूस होगी। मतलब यंग एज की बात मैं बता रही हूँ, ओल्ड एज में तो ये सब चीज़ें ज़रूरी ही हैं। आजकल यंग एज में भी हम लोग काम के चक्कर में खाना स्किप कर देते हैं, लंच ब्रेकफास्ट सब कुछ स्किप कर देते हैं, तो ये और बैठेंगे एक बार और ढेर सारा खाना खा लेंगे, तो ये भी गलत तरीका है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ड्रीम लिस्ट। ड्रीम लिस्ट क्या होता है? आपका कोई जीवन में सपना है, हम अपने सपने के लिए मुदिगर में जुड़ते हैं। सैलरी से हमारा सिर्फ घर चल सकता है फ्रेंड्स, जैसे लेके अगर आपको अपना मकान, अपना घर, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, खुद की ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा सपना होता है कि हम भी अच्छा बोलें, अच्छे दिखें, हमें लोग सुने, हमसे लोग बात करें, हमारे अंदर भी कम्युनिकेशन स्किल आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आप ड्रीम लिस्ट में लिखते जाते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पहले लिखिए जो आप 6 महीने के अंदर अचीव करना चाहते हैं, फिर आप मिड टर्म ड्रीम्स लिखिए जो आप 1 से लेकर 3 साल के अंदर अचीव करना चाहते हैं, फिर आप लॉन्ग टर्म ड्रीम्स लिखिए जो आप 3 साल से 7 साल के बीच में अचीव करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिखिए, लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं उसके प्रति कितना डिवोटेड हूँ, मैं उसके प्रति कितना एक्शन ले रहा हूँ, मैं कितना नॉलेज रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखने से आएंगी। तो ड्रीम लिस्ट बहुत ज़रूरी है, ड्रीम लिस्ट ज़रूर बनाइए। अगर ड्रीम लिस्ट हमारे गोल ही होते हैं, हमारे लक्ष्य होते हैं, अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कितने नंबर के लिए मेहनत करना है, हमें फर्स्ट आने के लिए मेहनत करना है कि सेकेंड आने के लिए कि थर्ड आने के लिए, तो हम अपनी मेहनत कैसे बढ़ाएंगे? तो इसके लिए लिखना ज़रूरी है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा ड्रीम्स क्या है, ये बहुत ज़रूरी है लिखना। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप को फॉलो करनी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, यानी कि मेमोरी जॉगर। मेमोरी जॉगर बहुत ही फैशनेबल वर्ड एक लग रहा है आपको, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा वर्ड है। इसमें आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, नेबर्स, सारे लोगों का नाम लिख सकते हैं विदाउट एनी जजिंग। आपको जज नहीं करना कि वो दिखे में आएंगे कि नहीं आएंगे, आखिर कौन ब्रश नहीं करता है, कौन खाना तेल, साबुन, घी, तेल नहीं यूज़ कर रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग
मेहनत कर रहे हैं तो थक जा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें घर घर में यूज़ होती हैं। तो आप ये जज मत करिए कि अरे वो तो बहुत अमीर है, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है, वो तो गोरा है, वो तो ये है, वो तो वो है, क्यों ज्वाइन करेगा, वो लड़की है, वो आदमी है, ऐसा कुछ भी जज नहीं करना आपको। वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, कैसे आपको मोदी केयर से पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी विथ फुल सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। हम लोग हैं आपके साथ, इसके लिए आपको सोचना नहीं है बिल्कुल भी। खुद को आपको समझाना है, दूसरों को समझाने से पहले आपको खुद को अपने आप को समझाना है। दूसरों को तैयार करने से पहले अपने आप को तैयार करिए और प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट वही बनाता है जो कि जानता है कि मैं मोदी केयर में सफल हो जाऊंगा। जिसे पहले से ही पता है कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं कुछ नहीं कर, निगेटिव थिंकिंग तो मोदी केयर में करना नहीं आपको। तो हमेशा तैयार रहिए विथ योर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। नेक्स्ट है 10th लास्ट, एबल टू इन्वाइट। इन्विटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। आप सरकारी नौकरी करने वालों को कैसे इनवाइट करेंगे, प्राइवेट जॉब करने वालों को कैसे इनवाइट करेंगे, एक छोटी सी दुकान चलाने वाले को कैसे इनवाइट करेंगे, एक लाखों का इनकम करने वाला बिजनेसमैन उसको कैसे इनवाइट करेंगे, एक सिंपल हाउसवाइफ है, एक मदर है, एक बहू है जो बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती, जिनकी ड्यूटी 2400 घंटे की होती है, वो तो मोदी केयर में और भी ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई होती है। वो लोगों के इमोशंस को जानती हैं, बिना कहे अपने माता पिता, सास ससुर, भाई बहन, अपने बच्चों का बात समझ लेती हैं, फीलिंग समझ लेती हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हाउसवाइफ्स हैं मोदी केयर में। फ्रेंड्स, आपको पूरे माइंडसेट करके आना है, 5 साल की माइंडसेट के साथ आना है। फ्रेंड्स, 5 साल की थिंकिंग के साथ आइए, लॉन्ग टर्म की थिंकिंग के साथ आइए। देखिए, आप एक छोटा मोटा दुकान खोलेंगे तो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, कम से कम 1 लाख का सामान रखेंगे तो आपको 100 रुपये की इनकम होनी शुरू होगी। यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस करना है, तो क्यों इस मौके को चूकना। तो जल्दी से इसको ज्वाइन करिए और स्टार्ट करिए अपने बिजनेस को, घर पर रहते हुए अपनी नौकरी को भी करते। अगर आप नौकरी में सर्विस में हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसको करते हुए भी हम आधा घंटा न्यूज़ देख लेते हैं, आधा घंटे का गाना सुन लेते हैं, आधे घंटे का सीरियल देख सकते हैं, तो फिर आधे घंटे का टाइम अपने बिजनेस को भी दे सकते हैं जो हमारे पैसिव इनकम को जनरेट करने में हमारे सहायक होगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से ज्वाइन करिए, अगर आप ज्वाइन है तो इसे स्टार्ट करिए और कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।